गाइस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के हम काफ़ी स्पॉयलर्स देख चुके हैं, जिनमें से कुछ स्पॉयलर्स खुद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के एक्टर ने किए थे, जिनमें दो कैरेक्टर का नाम सबसे ज़्यादा आता है, एक है मार्क रुफेलो और एक है टॉम हेलोन। पहले एक बार मार्क रुफेलो ने एक शो में अपने मुँह से एवेंजर्स 4 का टाइटल रिवील कर दिया था, और वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें टॉम हेलोट की, जो कि रोल प्ले करते हैं स्पाइडरमैन का और पीटर पार्कर का, तो वो कई बार हमें बहुत सारे रूमर्स दे चुके हैं और कई सारी न्यूज़ भी दे चुके हैं एवेंजर्स एंड गेम, स्पाइडरमैन होमकमिंग और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की। और इस बार भी ऐसे ही कुछ रूमर्स सामने आए हैं, जहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि टॉम हेलोट ने पूरी की पूरी एवेंजर्स 4 मूवी ट्विटर पे अपलोड कर दी। और गाइस ये सबसे पहले न्यूज़ ही थी, उन्हीं के एक फैन अकाउंट है जो कि इंस्टाग्राम है tom.hellott पे। फिर टॉम हेलोट ने उनको एक रिप्लाई किया अपने वेरीफाइड अकाउंट से कमेंट बॉक्स के ऊपर, और टॉम हेलोट ने उनका रिप्लाई किया कि वे कुछ सेकंड के लिए काफी स्ट्रेस्ड हो गया था कि सच में मैंने कहीं ये कर तो नहीं दिया, कहीं सच में मैंने ये कर दिया है। और उसी के बाद से लोग टॉम हेलोट के ट्विटर के प्रोफाइल को चेक करने लगे कि क्या सच में उन्होंने पूरी एवेंजर्स 4 मूवी ट्विटर पे अपलोड कर दी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पोस्ट इंस्टाग्राम और ट्विटर से जल्दी ही हटा दी जाएगी, तो इसीलिए मैंने उसका इंस्टाग्राम और उसको अपनी फाइल में सेव कर लिया था, भले ही थोड़ी देर के लिए। लेकिन इस न्यूज ने टॉम हेलोट को भी काफी चौंका दिया था कि उनको भी लगने लगा था कि कहीं बाई मिस्टेक मैंने ये चीज ट्विटर पे अपलोड तो नहीं कर दी। और इससे फैंस जल्दी ही उनके ट्विटर अकाउंट पे पहुंचने लगे और उनकी प्रोफाइल चेक करने लगे। तो गाइस ये थी वो स्पूफ जो कि एक फैन अकाउंट ने ट्विटर पे किया था। आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाने का। तो बस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। मैं मिलता हूं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।